ना ही लौकी का हलवा और ना ही लौकी का कोफ्ता। तो क्या बनने जा रहा है आज मेरे किचन में, चलिए देखते हैं। तो हेलो दोस्तों, ब्रिज आज किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी से कुछ खास जो रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लौकी लिया जिसको मैंने बीच में से काट लिया। मैं आधा लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके छिलकों को मैंने निकाल दिया और लौकी को मैंने धुलकर ले लिया। अब इसके मैं दो भागों में काट ले रही हूँ। अरे इसमें तो बीज हैं, अब क्या किया जाए। तो चलिए बीज को निकाल दिया जाए। मैं इसे फेंकने वाली हूँ नहीं, बिल्कुल फेंकना है तो सिर्फ बीज को। इसके बीज वाले आप सॉफ्ट लौकी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सॉफ्ट देखकर ही मार्केट से लाई थी मगर ये बीज वाला निकल गया। मगर मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसे बनाने जा रही हूँ। इसके हम बारीक टुकड़े काट देंगे। सब्जी जिस तरह से हम पकाते हैं, इस तरह से मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। सारे सब्जी के मटेरियल पड़े हैं बाएं तरफ। और यहाँ कुकर को गर्म करना है जिसमें डालना है 3 चम्मच तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा। जब जीरा चटकने लगे तो इसमें डालेंगे 2 कटी हरी मिर्च बारीक, 1/2 चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ और 1/2 चम्मच अदरक का टुकड़ा चॉप किया हुआ। अब इनको 2 से 3 मिनट तक सॉटी कर लेते हैं। हल्का सा जब गोल्डन आ जाए, उसकी खुशबू महकने लगे किचन में, तब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए। अब इनको हम हल्का गोल्डन होने तक पका लेंगे। यहाँ इसी तरह मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ स्लो फ्लेम कर देंगे और इसे गोल्डन होने तक हमें पकाना है। इसे ढक देते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा प्याज गोल्डन कलर का हो चुका है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर डालेंगे हम मसाले। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर। यहाँ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करें। इस मसालों को हमें 2 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ। टमाटर जब पानी रिलीज़ करेगा इससे हमारे मसाले पक जाएंगे। यहाँ स्लो फ्लेम पे ही हमें ये प्रोसेस करेंगे। स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब देखते हैं हमारा टमाटर गला है या नहीं। देखिए हमारा टमाटर भी गल चुका है और मसाले भी अच्छी तरह टमाटर के साथ पक गए हैं। अब यहाँ पर डालेंगे हम कटी हुई लौकी, आधी लौकी, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लौकी में तो पानी होता ही है। अब यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या, सब्जियाँ जल्दी गल जाएंगी। इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं नमक को। और यहाँ हम ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारी लौकी गलना शुरू हो गई है। लौकी के पानी से मसाले और भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए हमारा सब्जी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सब्जी मसाला डालिए या फिर गरम मसाला डालिए, आप किसी भी मसाले का इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ अच्छी तरह से मिला लीजिए 2 मिनट तक। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। मैं इसे दाल चावल के साथ खा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ 1 गिलास पानी का ही इस्तेमाल किया है। अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी करनी है, सॉरी पतली करनी है, तो आप 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। अब हाई फ्लेम पर इसे हम ढक्कन लगा देते हैं कुकर में और इसे 2 सीटी आने तक इंतज़ार कर लेते हैं। ये रही हमारी पहली सीटी और इस तरह से हम 2 सीटी के बाद कुकर को ठंडा कर लेंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, हल्का सा भी गर्म है। देखिए स्टीम निकल रहा है इसमें से। ये रही हमारी लौकी की सब्जी, बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ, मिनी कढ़ाई में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी लौकी, इसे ज़्यादा सीटी ना लगाएं, 2 से 3 सीटी में अच्छी तरह से पक जाएगा लौकी, क्योंकि लौकी पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसकी प्लेटिंग कर दी मैंने और ये रही हमारी लौकी की मसालेदार सब्जी।